हेलो फ्रेंड्स, आज का ये नाश्ता बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला बहुत ही ज़बरदस्त ये नाश्ता है। तो चलिए इस नाश्ते को बनाते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे और यहाँ मैं दो बड़े साइज के उबले हुए आलू को ग्रेट कर ली हूँ। इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 5-6 लहसुन की कलियां को ग्रेट कर लिए हैं तो इसे भी डाल देंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक, और 1/2 चम्मच इसमें डाल रहे हैं मैगी मसाला। आप चाहे तो पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, इससे थोड़ा स्वाद और बढ़ जाएगा। तो अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लिए हैं और बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से बॉल बनाकर सभी को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ सभी बॉल्स बना लिए हैं, तेल गरम होने के लिए रख दिए थे, तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। एक एक करके सारे बॉल्स को तेल में डाल देंगे और इसे दोनों तरफ से उलट पुलट कर अच्छी तरह से गोल्डन होने तक इसे पका लेंगे। इस बॉल्स को थोड़े चौड़े बर्तन में ही बनाएंगे ताकि हमें इसे घुमा घुमा कर पकाने में आसानी हो। तो यहाँ ये नाश्ता बनाने के लिए बहुत कम समय और कम सामान में ये बहुत जल्दी बन भी जाता है और ये बच्चों का सबसे फेवरेट नाश्ता है। तो अब ये हो गया है और इसे अब बाहर निकाल लेते हैं। ये नाश्ता बनकर अब तैयार हो गया है, बहुत ही कम समय और कम सामान में झटपट से बनने वाला टेस्टी नाश्ता है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, चाहे चाय का बहाना हो या सफ़र का नाश्ता हो। तो इस नाश्ते को आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका स्वाद आपको समोसे कचौड़ी जैसा ही आने वाला है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।